हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंदन अचर जी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि ब्रिज ऑथेंटिकेशन इंस्टॉल करने के बाद हमारे एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या चेंजेस हुआ है। इससे पहले वाले वीडियो पे हम लोगों ने देखा था कि हम लारावेल के अंदर जो ब्रिज ऑथेंटिकेशन है वो हम किस तरह से इंस्टॉल करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रिज ऑथेंटिकेशन इंस्टॉल करने के बाद दो लिंक आ चुका है या फिर दो बटन आ चुका है, एक है लॉगिन, दूसरा है रजिस्टर। अगर कोई यूजर चाहे तो वो इस एप्लीकेशन में रजिस्टर हो सकता है या फिर अगर उसका पहले से ही रजिस्ट्रेशन है तो वो यहाँ पे लॉगिन कर सकता है। अगर हम रजिस्टर बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड, रजिस्टर जो पेज है वो यहाँ पर आ चुका है एंड यहाँ पर ये जो फॉर्म दिया गया है ये इसको फिल करके हम रजिस्टर हो सकते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर का एक लिंक है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पर लॉगिन का पेज आ चुका है। अगर हम चाहें तो ईमेल आईडी एंड पासवर्ड से हम यहाँ पर लॉगिन हो सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप सब कुछ। अगर हम अपने कोड के अंदर चले, मैं एक काम करता हूँ, मैं इस वाले जो कंट्रोलर है वो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ, ये भी क्लोज कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो आइए देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चेंजेस हुआ है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं राउट से। अगर हम यहाँ पर web.php के अंदर जाए तो आप देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पर ये वाला जो राउट है ये नया क्रिएट हुआ है। ठीक है फ्रेंड, एंड ये ब्रिज ऑथेंटिकेशन के साथ क्रिएट हुआ है और उसके साथ साथ ये वाला लाइन भी क्रिएट हुआ है यहाँ पर, क्योंकि ये दो जो लाइन था वो मैंने यहाँ पर क्रिएट किया था आपको समझाने के लिए। आप देख सकते हैं राउट्स फोल्डर के अंदर पहले सिर्फ web.php था, अब यहाँ पर auth.php भी आ चुका है। ये वाला जो auth.php है ये ब्रिज ऑथेंटिकेशन की जितनी भी राउट्स है वो इस फाइल के अंदर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं फ्रेंड। फिर हम चलते हैं रिसोर्स पे। अगर हम रिसोर्स पे जाएंगे देन व्यूज पे जाएंगे, यहाँ पर एक नया फोल्डर आपको देखने को मिलेगा वो है ऑथ। अगर हम ऑथ के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कन्फर्म पासवर्ड .blade.php, फॉरगेट पासवर्ड, देन लॉग इन, देन रजिस्टर, देन रिसेट पासवर्ड, देन वेरीफाई ईमेल .blade.php, यहाँ पर सब ऑटोमेटिकली ब्रिज ऑथेंटिकेशन के साथ क्रिएट हुआ है। उसके साथ यहाँ पर कंपोनेंट्स है क्रिएट हुआ है, लेआउट्स फाइल है जो क्रिएट हुआ है, प्रोफाइल है क्रिएट हुआ है। ठीक है फ्रेंड, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं dashboard.blade.php ये वाला भी फाइल जो है वो क्रिएट हुआ है नया। ये है व्यूज। यहाँ पर अगर हम माइग्रेशन पे जाएं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई माइग्रेशन नया फाइल क्रिएट नहीं हुआ है। तो अगर हम थोड़ा ऊपर जाएं तो आप फ्रेंड देख सकते हैं ऐप देन http देन कंट्रोलर्स के अंदर एक ऑथ नाम का एक फोल्डर आया एंड उसके अंदर अगर हम जाएं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे कंट्रोलर्स जो कि इस ब्रिज ऑथेंटिकेशन सिस्टम क्रिएट किया है। ठीक है फ्रेंड, उसके अंदर क्या क्या है, ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर है, देन कंफर्टेबल पासवर्ड कंट्रोलर है, यहाँ पर सब कुछ रजिस्टर यूजर कंट्रोलर है, सब कुछ यहाँ पर ब्रिज ऑथेंटिकेशन के साथ ही क्रिएट हुआ है। ठीक है फ्रेंड, इसको हम आगे चल के और भी समझेंगे एंड कस्टमाइज भी करेंगे। तो इसी तरीके से ये जो ब्रिज ऑथेंटिकेशन है वो काम करता है। तो आइए अब देखते हैं कि ये ऑथेंटिकेशन किस तरह से काम करता है। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले हम होम राउट पे चलते हैं एंड यहाँ पर सबसे पहले हम एक रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं अपना। यहाँ पर मैं अपना नाम देता हूँ चंदन आचार्य जी एंड यहाँ पर हम देते हैं एडमिन नाम देते हैं admin@gmail.com। ठीक है फ्रेंड, पासवर्ड हम कुछ भी देते हैं 123456789 123456। आप देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पर मैंने अपना नाम दिया है, ईमेल आईडी दिया है, पासवर्ड दिया है एंड जो कंफर्म पासवर्ड है वो हमने यहाँ पर सही नहीं दिया है। तो अगर हम रजिस्टर पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पर ऑलरेडी जो वैलिडेशन है वो काम कर रहा है, मतलब कि सब कुछ आपके लिए बनी बनाई है इस ब्रिज पैकेज के साथ। तो यही बेनिफिट है क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑथेंटिकेशन के लिए एक भी लाइन कोड नहीं किया है, सब कुछ बनी बनाई है हमारे लिए। तो यही बेनिफिट है लारावेल यूज़ करने का। ठीक है फ्रेंड, तो मैं यहाँ पर पासवर्ड फिर से देता हूँ 123456789 एंड यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड भी 123456789। यहाँ पर मैंने कंफर्म पासवर्ड अभी सही दिया है। अब हम रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पर एक लाइन भी कोड नहीं किया, मैंने यहाँ पर रजिस्टर किया। जैसे ही रजिस्ट्रेशन खत्म होता है तो ऑटोमेटिकली मैं अपने डैशबोर्ड राउट के अंदर आ गया। तो डैशबोर्ड कुछ इस तरह का दिखता है। अगर हम यहाँ पर इस नाम पे क्लिक करें तो यहाँ पर प्रोफाइल है देन लॉगआउट है। अगर हम प्रोफाइल पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पर प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन है, जहाँ पर नाम है, ईमेल आईडी है। अगर हम चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जो हम लोगों का जो पासवर्ड है जो मैंने यहाँ पर लिखा था 123456789, उसको हम चाहें तो यहाँ पर अपडेट भी कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो यहाँ पर आप डिलीट अकाउंट, मेरा जो ये अकाउंट है वो हम यहाँ पर डिलीट भी कर सकते हैं। तो सब कुछ यहाँ पर रेडीमेड है, हम इसको सिर्फ यूज़ कर रहे हैं। एंड एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आगे चल के
इस ब्रिज ऑथेंटिकेशन सिस्टम के अंदर जो ये जो यूआई है, इंटरफेस है, यूजर इंटरफेस है, उसको हम चेंज करके अपना खुद का जो थीम है उसको हम इसके अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। सब कुछ मैं कस्टमाइज कर सकता हूँ, इसी सीरीज के अंदर हम करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से लॉग आउट करता हूँ, तो अगर हम लॉग इन करते हैं तो यहाँ पर मैं अपना जो ईमेल आईडी है वो admin@gmail.com एंड पासवर्ड था 1234567 8। एंड अगर हम इसको लॉग इन करेंगे तो देख सकते हैं फ्रेंड, लॉग इन सक्सेसफुल हो चुका है। तो यही है ब्रिज ऑथेंटिकेशन सिस्टम। आई होप आपको अभी समझ में आया होगा कि किस तरह से हम अपने लारावेल एप्लीकेशन के अंदर डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन सिस्टम या फिर ब्रिज ऑथेंटिकेशन सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं, उसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद ब्रिज ऑथेंटिकेशन सिस्टम के साथ साथ क्या क्या फाइल, जो नया फाइल है वो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर क्रिएट होता है, सब कुछ आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा।